ब्रेक के बाद समाचार में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले अनेक वर्षों से किसानों पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। इसी बीच अकोट पंचायत समिति द्वारा तुअर की खरीदारी बंद की जाने से किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, जिससे कि परेशान किसानों ने जिलाधीश को ज्ञापन देकर खरीदी केंद्र जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है तथा संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। पिछले अनेक वर्षों से आसमानी संकट से बलि राजा त्रस्त था। कभी सूखा तो कभी ओले जैसे संकट पिछले 2-3 सालों से किसानों पर आ गए थे, लेकिन इस वर्ष बारिश के साथ साथ फसल भी अच्छी हुई, लेकिन कृषि माल को योग्य दर नहीं मिल पाई। इसी के साथ साथ अकोट बाजार समिति ने तुअर की खरीदी बंद करने के कारण किसान पर सुल्तानी संकट आन पड़ा है। निवेदन देने की अकोट एपीएमसी तुरीची खरेदी बंद आहे। जवळपास 600 वर वाहन अकोट एपीएमसीला उभे आहेत आणि एका वाहनाचा खर्च जो आहे तो प्रतिदिवस 500 ते 1000 पडत आहे आणि वरून रोज शेतकऱ्याला येणे आणि जाणे, खरेदी बंद आहे, कधी बारदाने अभावी, कारण वेळोवेळी आपले यांना विचारून, अधिकारी वर्गांना विचारून पाहिजे ते अपेक्षित उत्तर मिळत नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्याची खूप मोठ्या हॅरॅसमेंट झालेली आहे। जर कोणताही अडचण जर असेल तर त्याचं लेखीमध्ये प्रत्येक वर्षाच्या अधिकाऱ्यांनी तिथे द्यायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर बारदाना नाही आहे हे जमणार नाही। शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर जो माल पडलेला आहे तो गव्हर्नमेंटला घेणे खूप आवश्यक आहे, नाही तर शेतकऱ्याची खूप कठीण आणि विचित्र परिस्थिती आज झाली। अकोट के त्रस्त किसानों ने हताश होकर जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया, जिसमें तुअर की खरीदी जल्द से जल्द शुरू की जाए, साथ ही साथ खरीदी की कालावधि बढ़ाई जाए एवं तुअर खरीदी बंद करने वाली बाजार समिति पर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग की गई है। शरद शेगोकार, UCN न्यूज, अकोला।